हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदितास फैमिली। अभी देखिए मैं किचन में हूँ तो लंच का प्रिपरेशन हो रही है। आज मैं मटन करी बनाऊंगी, वो भी अलग वे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को ना मैं डीप फ्राई कर ली, उसको एकदम डार्क ब्राउन कर ली, फिर उसका मैं मैरिनेट करूँगी और साथ में मैं आलू डालूँगी। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, आलू को भी मैं फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदितास फैमिली। मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, कैसे हो सब, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अभी बज चुका है 12 PM, पीएम हो चुका है, दोपहर का टाइम है। लंच मेरा आधा अधूरा बन चुका है। आज है संडे, मतलब सारा काम लेट, ठीक है, सारा काम लेट हो जाता है, क्यों पता नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ, ठीक है। तो आज ना मैं बनाऊंगी मटन अलग ही तरीके से, और फ्राइड राइस बनाऊंगी अगर टाइम होगा तो फ्राइड राइस, क्योंकि राइस ऑलरेडी मेरा बन चुका है। अगर थोड़ा सा टाइम होगा ना तो मैं थोड़ा गाजर मटर डाल के फ्राइड राइस बनाऊंगी, वो ऑप्शनल है एक्चुअली, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए कर लेते हैं हैंकी टक। मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर बोले कि आप कॉन्ट्रास्ट कलर में कीजिएगा, क्योंकि सेम कलर होने से पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आज मैं एक ग्रीन का कोटा साड़ी पहनी हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ये ब्राउन कलर का हैंकी टक करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। जूड़ा बनाई हूँ आज साड़ी के साथ, तो कैसा लग रहा है जूड़ा भी आप लोग बताइएगा। इसमें मैं आज क्लेचर लगा दी हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं लंच बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं प्याज को है पूरा डार्क ब्राउन कर ली हूँ, अच्छे से तल ली उसको, और हरी मिर्च दो हिस्से में काट ली हूँ, दो हरी मिर्च है, और मैं मटन में आलू डालूंगी। आप चाहे तो आलू स्किप कर सकते हो, तो आलू को भी मैं डीप फ्राई कर चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा चावल भी बन चुका है, बासमती चावल, और ये मैं रेडी करके रख दी हूँ। और ये रहा मटन, कितना मटन है ग्राम में मुझे नहीं पता, इसको मैं मैरिनेट करूँगी अभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं मटन को मैरिनेट कर रही हूँ। बेसिक मसाले होते हैं जो नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। आप चाहे तो मीट मसाला का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और करी पत्ता यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, और फ्राइड क्या हुआ ऑनियन और हरी मिर्च, सारे को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अदरक लहसुन का ना मैं पेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ, 3 से 4 बड़े चम्मच। आप चाहे तो उसको ददरक कूट के भी कर सकते हैं, अगर आप ड्राई बनाना चाहते हो ना तो दरदरा कूट सकते हैं। मैं थोड़ा सा ना करी टाइप बनाऊंगी राइस के साथ, इसीलिए मैं पेस्ट दी ताकि उसका जो ग्रेवी है अच्छा बने। तो यहाँ पे तेल में मैं थोड़ा सा जो इलायची और लौंग और काली मिर्च का तड़का लगा दी, उसके बाद मटन को फ्राई करूँगी बीच बीच में चलाते हुए, उसको अच्छे से फ्राई करूँगी 15-20 मिनट के लिए बहुत अच्छे से। और कलर के लिए ना यहाँ पे आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं की हूँ, वो स्किप हो चुका है वीडियो में। ऐसे ही उसको चलाते हुए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगा नीचे से। और यहाँ पे देख रहे हैं मटन का जो कलर, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो मैं दूसरे साइड पे ना गर्म पानी बिठा दी हूँ, तो गर्म पानी डाल के मैं सीटी लगा दूँगी 3 से 4, और लुकिंग जस्ट ऑसम। यहाँ पे मैं नटमेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, मटन में ना नटमेड का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो उसको बस कद्दूकस कर लूँगी थोड़ा सा, आप भी ट्राई कीजिएगा।
चुका है, ऑलमोस्ट 3-4 सीटी आने तक पकाऊंगी, पक जाएगा मटन। ठीक है, और चावल बन चुका है, उसके लिए फ्राइड राइस के लिए थोड़े से वेजिटेबल्स कट कर लूँगी, सिर्फ मटर और गाजर रहेगा, साथ में सलाद, नींबू वाला सलाद बहुत पसंद करते हैं बच्चे, तो चलिए वो भी रेडी कर लेती हूँ। हमारा मटन करी बन चुका है, फ्राइड राइस और नहीं बनाई, लेट हो गया है बहुत इसीलिए, तो फिर चलिए खा लेते हैं लंच। चैनल, अभी हम लोग ना बाहर आए हुए हैं, घर के पास ही है गोविंद सागर लेक, ये रहा लेक। तो लंच करने के बाद हम गहरी नींद में सो गए थे, फिर सोचा ना थोड़ा घूम के आ जाए, बहुत दिन हो गया ना हम लोग घर से नहीं निकले थे, तो ऐसे मतलब जरूरत का सामान लेने जाते थे मार्केट, बस आ जाते थे, नेचर का हवा बहुत दिन हो गया नहीं खाए थे, तो अभी हम लोग वही नेचर का हवा खाने आ गए हैं, और इतना रिलैक्सिंग लग रहा है ना, 1-1.5 घंटा रुकेंगे यहीं पे बैठेंगे, देखिए नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, और पीछे का व्यू भी आप देख सकते हैं, जस्ट वाव। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खींचने वाली हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, एंड लॉट्स ऑफ लव लॉट्स ऑफ लव।